शिवपुरी एसपी ऑफिस में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां दिल्ली से आई एक महिला ने जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक पर शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने के आरोप लगाए हैं। इधर आरोपित युवक ने महिला को अपनी मुंह बोली बताया है। एसपी द्वारा मामले की बारीकी से जांच करने के निर्देश गोवर्धन थाना प्रभारी को दिए हैं। महिला ने बताया कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, मेरी शादी गोवर्धन गांव में हुई थी। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता था, इसी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया था। इसके बाद मैं अपने पापा के घर दिल्ली रहने लगी थी। करीब 2 साल पहले फेसबुक के जरिए मेरी मुलाकात गोवर्धन गाँव में रहने वाले अंकित शर्मा से हुई। इसी बीच हमारी बातचीत होने लगी। इस बीच अंकित ने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ शिवपुरी झांसी और दिल्ली में रेप किया। इसी बीच में मैं 2 बार गर्भवती हो गई तो अंकित ने मुझे गर्भपात की गोलियां खिलाकर मेरा गर्भपात करवा दिया। मुझे अंकित के साथ नहीं रहना है, लेकिन उसे किए की सजा दिलानी है। महिला ने बताया कि अंकित की सगाई 30 मई को हो चुकी है और वो अगले महीने शादी करने वाला है। 30 मई को मैंने गुस्से में आकर हाथ की नस काट कर सुसाइड करने का प्रयास भी किया था, बावजूद इसके अंकित शादी करने का प्रयास कर रहा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या समस्या लेके आए? मुझे एक लड़के ने 2 साल से शादी के झांसे में रखा, उसका नाम अंकित शर्मा है। उसने मेरे साथ हर दुष्ट कर्म करा। उसने तब भी वो 2 साल से मुझसे कहता रहा कि मैं तुझसे शादी करूँगा। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने मेरे को खाने में अबॉर्शन की गोली मिला के मेरा गर्भपात करवा दिया और मुझे रात को छोड़ के भाग गया। मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मेरे को एसपी ऑफिस आना पड़ा। क्या आश्वासन दिया आपको एसपी सर ने? आश्वासन दिया है कि महिला थाने चले जाओ, वहाँ से वो आपका सपोर्ट करेंगे, वहाँ से उस बंदे को बुलाएंगे, अरेस्ट करेंगे। क्या चाहती हो? मैं उसको सजा दिलाना चाहती हूँ। आपने नज़दीकी थाने में कंप्लेंट की? जी। आपने नज़दीकी थाने में कंप्लेंट की? मुझे गोवर्धन थाने में, जब पहले मैं गोवर्धन थाने ही जाती, उसके भाई का फ़ोन आया फेसबुक पे कॉल पे कि मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, कह रहे हो तुम गोवर्धन आई तो हम तुम्हें रस्सी से बांध के कुएं में डाल देंगे और गोवर्धन थाने में तुम्हारी चलेगी हमारी चलेगी। अगर आप इसके बीच में आपके साथ झगड़ा हो जाती है, किसका जिम्मेदार कौन होगा? वही होगा अंकित शर्मा। मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी है, मेरे हाथ में 12 टाके अभी भी हैं, 17 टाके, और ये 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख को ही मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। इसके चक्कर में अगर मेरे बच्चे को, अगर मेरे पापा को, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका पूरा जिम्मेदार अंकित शर्मा ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।